गंगे दादी अपने समय की नंबर वन यज्ञ की स्पीकर थी। तो कहीं भी है तो गंगे दादी, तो मनोहर दादी गंगे दादी को बाबा ने कहा अब जाओ दिल्ली लाल किले पे चंदा गाड़ो। दादी कहे माँ खा खा के शर्म करके तो आपके पास आए, आप भी यहाँ से निकाल देंगे, आपको छोड़ के नहीं जाए। तो बाबा इतना बल भरते देख शिव शक्तियाँ हो, तुम तो पति पावनी गंगे हो, तुम्हें सबको तारना ऐसे करके बल भर के निकाल। तो गौरी शंकर मंदिर में फिर कैसे दिल्ली की सेवा की, दिल्ली से कुंभ मेले की सेवा मिली। कुंभ मेले में गए तो वहाँ पर वो झूठी झोपड़ी दादी को समझ में नहीं आई कुटिया मेले वाली। फिर स्कूलों में भाषण किए तो कहती मैंने 17 लेक्चर किया था। तो जिस कॉलेज में मजिस्ट्रेट की बेटी पढ़ती उसने पिताजी को कहा कि चलो देवियाँ आएंगे। जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि कुंभ में चलो सेवा करो, सारे भारत के संत आए, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावित हुए मजिस्ट्रेट साहब। फिर वही हम देख के आए, ये हमसे पूछ कर झोपड़ी बनाना और बेटी बनाना हमारे पास का नहीं। तो कहा नहीं आप चलो, लेके गए अपना दिखाया। वो तो बहुत सुंदर, पहले भी सुनाया था सब कुछ सुविधा। फिर कानपुर के जो गए थे तो उन्होंने कानपुर का निमंत्रण दिया, तो जाना आप तो रुक के जाना, कानपुर आना हुआ। कानपुर के लिए भी तार किया कि हम आएंगे इस गाड़ी से हमको दे देना। तो जो निगम साहब थे लेबर ऑफिस के, वो इंस्पेक्टर थे बॉयलर सेक्शन के, तो तब एक कार होती थी सारे अधिकारियों को लाती थी, सब गाड़ी सबको नहीं मिलती थी। उनकी गाड़ी किसी से पूछा भाई हमको चाहिए, कल देवियाँ आ रही हैं गाड़ी, उनकी भी वर्कशॉप में थी। तो वहाँ पर सिंधी भाई बैठे थे तिरुमल, तो उन्होंने कहा हम चलेंगे। और सिंधी और सिंधी नाम सिंधु प्रांत से थोड़ी अट्रैक्शन तो होती है ना अपने देश का। तो वो लेके गए तो अपने घर में ठहराया, धर्मशाला में नहीं जाए, अलग पोर्शन बनाकर पवित्र सुबह। तो 7 दिन के लिए आई थी, तो 7 दिन कितने साल बीत गए। तो दादी की सेवा की भी गोल्डन जुबली मनाई गई। तो इस तरह से कानपुर से सारे यूपी में सेवाएं बढ़ती गई। फिर जब हरिद्वार में सेंटर खुला तो अशोक भाई ना इनकी बुआ निर्मला देवी वहाँ सेंटर पर रखी गई। तो बाबा ने कहा बच्ची तेरी कमाल तब है जितने हरिद्वार के संत हैं इन सब से धन का सहयोग है, जाके बोलो जब आपने त्याग किया जन्म जन्मांतर, हम माताओं बहनों ने आपको सहयोग दिया, अब हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए त्याग किए, अब आप मुझे धन की मदद करो। कोई संत से पैसा निकलवाए है ताकत? संत लेते हैं लेते कहाँ है, और वो लेते हैं लेते नहीं है, जनता देती है लेती नहीं, और वो लेते हैं तो देते नहीं। तो गंगे दादी ने सारे संतों से पैसे लिए और इनका तेरी तब कमाल है गंगे बेटी, जब इनका धन लगवाओ निकलवाओ। तो सबने दिया, चाहे 11 रुपया दिया, उस जमाने का 11 रुपया भी तो ये काम बाबा ने कराया। फिर काशी विद्वानों की सेवा करो, गुप्ता भाई जी को बाबा ने भेजा वो जाके बनारस में, तो वो कैसे सेवा हुई। लेकिन साथ साथ फिर आर्य समाजियों का विरोध भी रहा, चाहे नैनीताल का, और सबसे बड़ा हंगामा था हापुड़ का, तो वो भी दादी ने फेस किया। नैनीताल का भी गंगे दादी ने किया पूरी। तो क्या क्या उस समय लोग कहते थे वहाँ, हमने कानों सुना जब करपात्री जी परमट पे भाषण कर रहे थे, कहा ये ब्रह्मा कुमारियाँ प्रसादी बेटा 4 दिन की ट्रांड रहा है और हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, तो इसीलिए वहाँ कोई जाने की जरूरत नहीं। और पुरी के शंकराचार्य ने क्या कहा, माइक लगा के तो समाज की कोर है, तो सब कुछ वरना पहले भी सहन किया बाद में भी सहन किया, सेवाएं भी की और साथ साथ जापान का भी जो निमंत्रण मिला वो कानपुर गंगे दादी।
विदेश सेवा का भी जहाँ से ही वो कलम लगी है। बाबू जी ने जाने नहीं दिया क्योंकि ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद कोई पीस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो दादी का लेक्चर था, तो बाबा को दादी ने कहा बाबा हम क्या बोलेंगे, हमने तो कॉन्फ्रेंस देखी तक नहीं है। और ने कहा कुछ नहीं खड़ी हो जाना सरस्वती बोलेगी। तो दादी का फिर बहुत पसंद आया, जितने वहाँ स्पीकर थे देश विदेश के, तो जापान का निमंत्रण मिला वहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस। तो बाबू जी माता जी ने नहीं जाने दिया, कहा तो कानपुर की भारत की गंगा है ना, तो उसी के बदले फिर बड़ी दादी रतन मोहनी दादी और आनंद किशोर दादा बोले जाबा बना, यहाँ की सेवाओं का बीज भी यहीं से पड़ा। तो कहने का मतलब है कि दादी ने शुरू से आके कानपुर की जो सेवा किया तो बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन निकले। तो बाबा ने नाम दिया था प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज, जो निकले वो प्रजा बनने वाले नहीं है, सब राजा बनने वाले। और शुरू में निकले भी सभी, देखिए उज्जैन और चंडीगढ़, नाभा और अपने सुंदरी धनबाद, कितना दूर दूर के यहीं से संडा खुले हैं कानपुर से, और यहीं के सब रहे सुंदरी धनबाद के। यहाँ पे ना कबाड़ी मार्केट में एक लच्चा बहनती थी पंजाबी, उनकी बेटी सुषमा थी तो उनके द्वारा सिंदरी का खुला। और सुषमा का बेटा पता नहीं चलता है किस जमाने का और कब, एक दिन हमको जब ये शांति बन का डायमंड हाल बन रहा था तो वो तो पता चला कि विद्या बहन है मेरे पास आया, कहता बहन जी आपने मुझे पहचाना, पता नहीं नाम क्या बताया था वो भी नहीं जाना। मैंने कहा नहीं आप बताइए, कहता मैं तो आपको पहचान रहा हूँ, मुझे बताइए, कहता मैं अविनाश सुषमा का बेटा हूँ। अच्छा सिंदरी वाले का, हाँ वो भाई लोग विदेश में हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, इतने बड़े इंजीनियर आर्किटेक्ट बन गए, सारा स्ट्रक्चर सुषमा के बेटे का डिजाइन और चढ़वाता। तो एक पीढ़ी नहीं, समय अनुसार बाबा की यति में कई पीढ़ियाँ लग गई हैं सेवा की। जब बाबा को यज्ञ की स्थापना में कटोरी आटा बहनों की जरूरत थी तो उतना ही मिलता था, माताएं कटोरी आटा बहन नमक लाई तो टिककर बनाया खाया, सेवा किया। सेवा पड़ी तो कुमारियों की जरूरत पड़ी तो कुमारियां मिली, फिर सेवा केंद्र की माना जैसी बाबा की आवश्यकता यज्ञ में पड़ी वैसे वैसे लोग आते गए। अब इतना बड़ा डायमंड हॉल बनाना तो सुषमा का बेटा भी आगे निकल गया, तो कहाँ कहाँ ग्रुप पड़े हैं सभी। तो इस तरह से बात गंगे दादी ने सारा खोला और सब जगह चक्कर अकेले लगाती थी, और गाड़ी कोयले के इंजन वाली होती थी और जर्नल डिब्बे होते थे, कुली को एक आना दे दो उसने रुमाल अगौछा बिछा दिया जगह रिजर्व हो गई, सफर करती थी। जब कोयले के इंजन से डीजल का इंजन चालू हुआ, अब उसकी स्पीड बढ़ गई, धनबाद जाना था तो इनको टाइम के हिसाब से इतने बजे धनबाद आएगा, वो आगे गाड़ी निकल गई। तो पूछी अभी धनबाद कब आएगा, सबने का बहुत दूर छूट गया, तब वो कैसे, तब पता चला डीजल इंजन है उसकी स्पीड ज्यादा है। कलकत्ता जाके उतरी तो परदादी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, तो वो तो बड़ी खुश गंगा अवतरण हुआ, उन्होंने कोई पिक्चर की गंगा अवतरण कितने गंगा अवतरण हो। तो कहने का मतलब दूर दूर जहाँ से सेवा है, और धनबाद में तो हमारी लौकिक माँ भी रही है, तो सारी सेवा पहले थी। और जहाँ पहले इतनी कन्याएं नहीं थी तो बाबा ने बाण भरे कि तुम माताएं जाके सेवा करो, क्योंकि बाबा ने माताओं के सिर पे कलश रखा जाओ। तो कपला बहन जी, निर्मला बहन जी, सरोज बहन जी, प्रकाश बहन जी, छोटी कमला, सब निकले सेवा। तभी तो उज्जैन, नाभा और चंडीगढ़ ये सब सारी सेवाएं फैलाई जहाँ जहाँ का निमंत्रण हुआ, कानपुर की, जयपुर तक, फाजिलका तक भी। फाजिलका जब किए पंजाब में पाकिस्तान का बॉर्डर के नजदीक है, तो निर्मला बहन को
बनारस फजिल फजिल का मतलब सब यही साथ में जाके और सबके थुरमुन बच्चों का एक बाल भवन बनाया गया। तो इस तरह से गंगे दादी ने सेवाओं में सम्मेलन में और यज्ञ में जब वर्गीकरण का बना तो धार्मिक दिन का चेयरपर्सन बनाया गंगे दादी। तो कॉन्फ्रेंस सेवाएं पूरे और सबसे बड़े भाग्य की बात तो कहेंगे कि हम भी 45-46 साल गंगे दादी साहब सबसे ज़्यादा कोई नहीं इतना संग में रहा होगा। तो जहाँ भी भारत में दादी जाती थी तो हमको ये जाती थी तो उनके बहाने उनके सत्य पूरे भारत का भ्रमण किया। तो हम कहते थे दादी जी वो बथुआ तो कोई सींचता नहीं है, किसी किसान ने बथुए को पानी नहीं दिया तो गेहूं में होता है ना, लेकिन उसका खाद और पानी गेहूं के पता बथुआ देता तो बथुए को मिल गया। और एक पत्थर अगर गंगोत्री से चला है तो लुढ़कते लुढ़कते हरिद्वार तक पहुँचते पहुँचते तो सालिग्राम तो बन ही जाता है, झाटू उसको कुछ करने नहीं पड़ता है। ऐसे करते फिर दादी लास्ट तक भी बड़ा मेगा प्रोग्राम की जीता था, तब वो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी फिर एजेंसी में भर्ती हुए। 8 अक्टूबर के दिन जब उद्घाटन की घड़ी आ गई थी और लास्ट तक दादी ने बड़ी दादियों के प्रबंध के मकान अभी सब हॉस्पिटल से आए तो 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे फिर दादी आ गए। लेकिन हॉस्पिटल में भी पूरी जानकारी पूरी योजना सब उनके दिमाग में, क्या हो रहा है कौन कौन आ रहा है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है कौन सा, इस तरह से सारा सब काम लास्ट तक। इतना बड़ा प्रोग्राम तो इतना बड़ा किया भारत में 8 दिन का मेगा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया और इतनी सुंदर स्टेज बनी थी आप सबने पिक्चर सुने की बंटी और बबली थी उसकी शूटिंग हमारी स्टेज पर हुई थी मोटी झील की। कितना सुंदर मेगा प्रोग्राम थी उस स्टेज हमारा। अरे जब ये मेगा प्रोग्राम हुआ दादी अव्यक्त हुई है तो हमारे 8 दिन का प्रोग्राम चला था। दादी जानकी गुलजार दादी बड़ी दादी मनोहर दादी आई, बड़ी दादी को आना था प्रकाश बड़ी दादी तो तबियत के कारण नहीं। गंगे दादी के अव्यक्त होने के बाद पूरा भारत यहाँ पर आया दादियाँ क्यों गंगे। पहला ही ये मेगा प्रोग्राम था मोदी जी का तो दादी जानकी गुलजार दादी ने आधे घंटे खड़े होकर मंच पे घूम घूम के कमेंट्री कराई, पूरी सभा को सकार किया बैठ के कमेंट्री नहीं कराई। जैसे दादी अभी स्टेज में थी ना डायमंड डाल के ऐसे घूम घूम के धीरे 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 सारा ये मोती झील करी और भीड़ तो इतनी थी कि चारों गेट मोती झील के पुलिस वालों ने बंद कर अब हम नहीं संभाल पाएंगे पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल पब्लिक और ना कोई नेता लिया था ना कोई अभिनेता दादियों के नाम पर। लास्ट भी दादी इतनी बड़ी सेवा करके आठ अक्टूबर था और सवेरे 8 बजे दादी अब एज कितनी थी एज तो ज़्यादा नहीं थी 83 साल की लेकिन अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो बीमार थी तो समय ड्रामा पूरा हुआ। तो बहुत सेवा हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते थे कि जो दादी को इंटरनल तकलीफ है कोई मरीज होगा तो मेरे अस्पताल की छत ऊपर उड़ा देता है और जब हम प्रवेश करते हैं तो दादी कहती है डॉक्टर साहब आप ठीक हैं हम ना आते हैं दादी के लिए कमरे में और दादी क्या कहती है आप ठीक हैं डॉक्टर साहब को जूस वगैरह खिलाया है। जब बताया कि कितना पैसा लग रहा होगा मुझे घर ले चलो अभी मेला होना है नहीं दादी आपको तो यहाँ फ्री में रखा है। अच्छा फ्री में रखा है हाँ तो ऐसा करो कि यहाँ क्या क्या जरूरत है पूछो वो ला के लगा दो ना ऐसे पीछे वाली के लिए। तो मतलब लास्ट तक
तो सहन शक्ति, सेवा की शक्ति और काम सब अपने, झाड़ू लगाने का, बर्तन मारने का, सिलाई करने का, पौधे लगाने का और जितनी टोलियाँ, चाहे सिंधी कड़ी हो, चाहे सिंधी कराची हलवा हो, चाहे फूल बड़ा हो, चाहे मेवे का बड़ा बनाना, जो भी है वो सब हमने एक चीज नहीं ताकि रोटी भी है। पापड़ 500 पापड़ अकेले मूंग की दाल का बेल एक दिन में 500 पापड़ का नहीं, हम गिरजा बहन धोती माताएं बनवन लास्ट तक जब जमीन में नहीं बैठ पाती थी तो टेबल रख के कुर्सी रख के 5 लोग भजिया भरने बनाने वाले अकेले वो रोटी बेल के सबको दे दे फटाफट में। पापड़ बिलवा लो, समोसे की टिक्कियाँ बिलवा लो और भुजिया की रोटी बिलवा लो, 5 भुजिया भरने वाले वो अकेले काम करते हैं, इतना काम करते। लास्ट 3 अगस्त में सिलाई किया, मधुबन से मेले की ट्रक लगा के आई, मेला लगवाया, सब किया, हॉस्पिटल बाद में गई, इतना काम करते। बहुत खुशी।